जैन साथियों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूँ आपकी इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात करेंगे दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के बारे में, एसएससी न्यू नोटिस। आपका दोस्त अभी हाल ही में एक न्यू नोटिस जारी हुआ है गाइस। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, फॉर्म में गलती हो गई है, वो क्या करें। मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले कि सर, हमारे फॉर्म में मिस्टेक हो गई है, अब हम आगे क्या करें। ठीक है, तो भाई आपके लिए एसएससी की तरफ से एक नई जानकारी आई है। आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, पूरा नोटिस दिखाने वाले हैं आपको। प्लीज वीडियो को पूरा देखना है। फोटो में गलती हो गई है, नाम में गलती हो गई है, ये सब आपकी प्रॉब्लम्स है कि आपने ये प्रॉब्लम अब क्रिएट कर दी, इससे बाहर कैसे आना है, उसके बारे में आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, प्लीज दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप गाइस किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप हमारा चैनल एक्सपेनोले सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपका जस्ट मना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस फटाफट चलते हैं एसएससी के न्यू नोटिस के ऊपर एक बार। तो गाइस यहाँ पे देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो भाई आप पेज देख रहे हो, ये आपकी साइट है, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है ये। आपको नोटिस चेक करने के लिए साइट के ऊपर आ जाना है, आराम से अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, पीसी में आप आराम से आ सकते हो इस साइट के ऊपर, ssc.nic.in लॉगिन करके। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर ऑप्शन पे इम्पोर्टेंट नोटिस कॉन्स्टेबल मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ एक बार। तो गाइस मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया है, जो आपका नोटिस है अभी डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो गाइस देखिए, जो आपका नोटिस है भाई ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है अभी। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट नोटिस कॉन्स्टेबल मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020। ये भाई आपका नोटिस अभी आया हुआ है, कल ही नोटिस आपका आया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अभी मतलब टेंशन में हो रखे हैं कि सर अब हमारा क्या होगा, हमसे फॉर्म में मिस्टेक हो गई है, अब हमारा कुछ होगा या नहीं होगा, फॉर्म रिजेक्टेड होगा या फिर हमारा फॉर्म एक्सेप्टेड होगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एंड गाइस यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में, द कमीशन हैज बीन रिसीविंग ए नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द एस्पायरिंग एप्लीकेंट्स ऑफ aforesaid examination requesting for correction, modification, changes in photograph or other columns of their online application form. तो गाइज इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि जब अपना फॉर्म आप फिलअप कर रहे हो, आपको मॉडिफाइड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप अपना फॉर्म ध्यान से भरे। ठीक है, लेकिन आपने तो ध्यान से नहीं भरा, आपसे गलती हो गई, उसके बारे में बात करते हैं अभी। ठीक है गाइज, बात करते हैं सेकेंड नंबर पे। इन द कंटेक्स्ट अटेंशन इन ड्राफ्ट टू पैरा 8.6 ऑफ द नोटिस ऑफ द aforesaid examination which clearly specifies that before submission of the online applicant and candidate must check that they have filled correct details in each field of the form. तो गाइज इन्होंने मतलब साफ साफ सूचित आपको कर दिया है, अगर आप आगे अपना फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हो, आप अपने फॉर्म को अच्छे से भरिएगा। लेकिन बात करते हैं जिनके मतलब फॉर्म में अब मिस्टेक हो गई है, वो क्या करें। गाइज यहाँ पे देखिएगा, तो गाइस यहाँ पे देखिए, आफ्टर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नो चेंज नो करेक्शन नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड अंडर एनी सरकमस्टांसेस। तो गाइस इन्होंने साफ कर दिया है आप सबको, अगर आपके फॉर्म में मिस्टेक हो गई है, ये आपको कोई चांस देने वाले नहीं है। लेकिन गाइस बात करते हैं डेट के बारे में, जिनके फोटो पे डेट नहीं है, जिन्होंने बिना डेट का फोटो अपलोड कर दिया। देखिए भाई, इन्होंने यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया है, अगर आपके फोटो पे डेट नहीं है, आपके फॉर्म को रिजेक्ट करेंगे। तो गाइज आप प्लीज बेफिक्र हो जाइए, आप टेंशन ना लें, जहां तक 99% मैं श्योर हूं भाई, आपका फॉर्म है जो रिजेक्ट नहीं होगा। क्या सुना आपने, आपका जो फॉर्म है दोस्तों रिजेक्ट नहीं होगा, आपके फॉर्म को एक्सेप्टेड कर लिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं आपके फॉर्म में मिस्टेक, मतलब नाम में मिस्टेक कर दिया, फादर नेम में मिस्टेक कर दिया, मदर नेम में मिस्टेक कर दिया, या फिर आपकी जो जाति है, कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो गई है, उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। देखिए भाई, अगर आपने फॉर्म भरते हुए कुछ मिस्टेक कर दी है, सबसे पहले आपका क्या होता है, इसमें एग्जामिनेशन होता है, जिसको हम एग्जाम मतलब पेपर बोल देते हैं, या फिर एग्जाम बोल देते हैं, रिटर्न पेपर बोल देते हैं, सीबीटी टेस्ट बोल देते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका भाई पेपर होता है इसमें, फिर आपका होता है पीएसटी एंड पीईटी। पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, ये आपका होगा। फिर बाद में आपका फोर नंबर पे होगा आपका डीवी, डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब दोस्तों आपका डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब आपसे भाई वहां पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे, आपका जो फॉर्म था, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देनी होती है। वहां पे वो चेक करते हैं आपने क्या मिस्टेक किया है। गाइस देखिए, उसका सॉल्यूशन भाई बस एक ही है, आपका भाई एक एफिडेविट बनता है, आप जब जाओगे डीवी देने, आपका भाई साथ साथ में मतलब वहां पे बन जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है भाई, आपका इस बात का भी समाधान है। ठीक है, लेकिन गाइस देखिए, अगर एसएससी चाहे, 1% बोल रहा हूं मैं, एसएससी चाहे आपका फॉर्म रिजेक्ट भी कर सकती है, अगर आपके फॉर्म पे डेट नहीं है, 1% और रिजेक्ट भी कर सकती है, और भाई 99% मैं श्योर बोल रहा हूं आपका एक्सेप्ट भी हो सकता है। तो भाई कुछ नहीं कह सकते अभी,
लेकिन दोस्तों जब भी एसएससी की तरफ से कोई भी जानकारी आएगी मैं आपको गाइस समय समय पे प्रोवाइड करवाता रहूंगा। आपको बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना है। और भाई प्लीज टेंशन मत लो यार, जो होगा अच्छा होगा, टेंशन मत लो। और हाँ गाइस देखिए, अगर आपने अब तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है, अपना फॉर्म आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से फिलअप कीजिएगा। अपने फोटो पे डेट जरूर डालें कि आपने फोटो कब खिंचवाया था। 3 महीने, 3 महीने से ज्यादा पुराना फोटो अपलोड ना करें, मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 3 महीने से पुराना फोटो अपलोड ना करें। फोटो पे डेट डालें, ठीक है, सिग्नेचर जो होते हैं उनको अच्छे से स्कैन करें, जो फोटो होता है अच्छे से स्कैन करें, तभी अपलोडेड करें आप। नाम में मिस्टेक मत करें, फादर नेम में मिस्टेक मत करें, कोई भी मिस्टेक ना करें। फॉर्म स्टेप बाय स्टेप आराम से भरें, रात में भरें, दिन में साइट बहुत स्लो चलती है, आप रात में आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हो गाइज। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको भाई मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना तो बनता है यार, सो प्लीज एक वीडियो लाइक कर दीजिए।